वेलकम नाज़रीन, इस वक्त मैं बड़वाई शहर में मौजूद हूँ। जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये बड़वाई शहर है। नारान से तकरीबन एक घंटे की ड्राइव पे आप यह बड़वाई पहुँच जाएंगे। आप इस्लामाबाद लाहौर से जितने टाइम लगा के आते, 4 घंटे 5 घंटे 5-6 घंटे ऑलमोस्ट लगते हैं। प्लीज़ 1 घंटा और लगा के यहाँ आके स्टे करें, नारान से लाखों गुना बेहतर है। और जितना महंगा नारान है उससे बहुत सस्ता बड़वाई शहर है, सिर्फ 1 घंटे की ड्राइव पर है। अच्छा, नारान में भी होकर आया हूँ, नारान फुल पैक है। आई डोंट नो लोग वहाँ क्यों जाते हैं, उसका रीज़न क्या है। वहाँ इतना खूबसूरत कोई नज़ारे भी नहीं। ये सबसे पहले आप बड़वाई शहर के नज़ारे चेक करें। तो ये बड़वाई, ये देखें ग्लेशियर के पहाड़, इंतहाई खूबसूरत पहाड़। होटल की विंडोज़, होटल के डोर से आप ये सब मनाजिर जो है ना इंजॉय कर सकते हैं। मे बी कैमरे के आगे आपको वो खूबसूरती और वो फील ना दे जो मैं यहाँ खड़े होकर महसूस कर रहा हूँ, जो यहाँ आप आके महसूस कर पाएंगे। ये देख लें, ये बड़वाई शहर है। तकरीबन सतह समंदर से कोई 9694 किलोमीटर जो है ना बुलंद है। यहाँ पे होटल हमें अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि अभी पिक सीज़न चल रहा है, तो 7-8 हज़ार 10 हज़ार में अच्छा रूम मिल जाता है। ओके, और एवरेज जो सीज़न के अलावा जो यहाँ प्राइस है वो 2500-3500-4000 में अच्छा रूम आपको मिल जाता है। ओके, तो प्लीज़ मेरी तो ये रिक्वेस्ट है, नारान में कोई इतना कोई वाव सीन नहीं है। यहाँ पे फिर भी कम से कम वाव सीन तो है, ये सीनरी नारान में बिल्कुल भी नहीं है। ये तो जी, ये आप देख रहे हैं, ये मैं बुरवाई शहर में हूँ और शहर के व्यूज़ आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से बाबूसर टॉप ऑलमोस्ट कोई, जो ड्राइवर मुझे कह रहा था वो कहता कि 1.5 घंटे, लेकिन मकामी कहते हैं कि 1 घंटे में आप पहुँच जाएंगे। सही है, अब आई डोंट नो, अभी तो मैं खुद जा के देखूँगा तो मुझे पता लग जाएगा कि कितना है, पर अंदाज़ा ये बता रहे हैं 1-1.5 घंटा यहाँ से जो है ना बाबूसर टॉप है। ये बड़वाई शहर है, छोटा सा शहर है, इतना बड़ा शहर नहीं है, पर नारान से लाख गुना अच्छा है। ये ब्रिज है, नीचे पानी बह रहा है फ्लो के साथ। जो सबसे खूबसूरत बात है ना यहाँ की, वो है वो सीनरी, ये सीनरी जो आप देख रहे हैं। देखिए ग्लेशियर वाले पहाड़, ग्रीन पहाड़ और इंतहाई के खूबसूरत पहाड़ आपके चारों अतराफ में होते हैं बुरवाई में। ये ब्यूटी, ये नज़ारे आपको नारान में नहीं मिलेंगे। वहाँ पे जो मिलेंगे वो पौंडी वाले नज़ारे मिल सकते हैं आपको। जो नेचुरल ब्यूटी के नज़ारे हैं वो आपको मेरे ख्याल है नारान में नहीं मिलेंगे, वो बुरवाई में मिलेंगे। इसलिए मैं लोगों को प्रीफर कर रहा हूँ कि आप नारान स्टे करने से बेहतर है थोड़ा सा जो है ना साइड से निकल के यहाँ बाटा कुंडी और या फिर बुरवाई में आ जाएं, ये उससे लाख गुना बेहतर है नारान से। नारान में इंतहा का रश है, 60,000-40,000-50,000 जिसको जितना लगता है वो जो है ना आपको वहाँ पे जो है ना चार्ज करता है पर रूम को। और यहाँ पे क्योंकि इतने ज़्यादा लोग नहीं आते हैं यहाँ पे भी लोग, यहाँ पे भी रश है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नारान जैसी सिचुएशन यहाँ पे नहीं है। ये शहर के मनाजिर देखने, ये क्योंकि अभी पिक सीज़न है इसलिए मे बी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ टूरिज़म नज़र आएगा। अच्छा, अगर और खाना खाना है तो एक और चीज़ मैं बताऊँ, ये ज़ैनब होटल है, यहाँ पे हमने कल रात खाई, ये यहाँ का अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत ज़बरदस्त था जो है ना, इनका खाना भी बहुत अच्छा था, मज़ा आया और बड़ा अच्छा। यहाँ पे लोग बड़े कोऑपरेटिव है, आपको सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हो तो। और धोखाधड़ी वाले कहानी इतनी ज़्यादा मैंने तो नहीं देखी, और इतना बड़ा शहर भी नहीं है कि कोई आपको धोखा दे के कहीं भाग जाएगा। ये मैं आपको बुरवाई पूरा शहर दिखा रहा हूँ, एक तरह से ये बुरवाई का वॉकिंग ट्रेल भी मिलता है वीडियो। तो यही बुरवाई शहर है। अच्छा, नारान तो अब लाहौर हो गया है, ओ लाहौर कह रहा हूँ, मरी हो गया है, लोग ये कह रहे हैं। जैसे जैसे मरी में कोई जो है ना ख्याल नहीं करता ना टूरिस्ट का, मन माया अपने रेट हैं सबके मन माने, तो वही हाल फिलहाल नारान का चल रहा है। तो प्लीज़ मैं तो इसलिए बार बार आपको कह रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात कि नारान में ये आपको व्यूज़ नहीं मिलते जो मैं आपको अभी इस वीडियो में दिखा रहा हूँ, और जो फील है ना इसका वो आप यहाँ आएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। वैसे वीडियो से वो फील नहीं आती जो यहाँ हो, मैं मौजूद हो के यहाँ पे खड़ा हो के यहाँ पे आके जो आप फील करते हैं।
ये आप मुंबई शहर के मनाजिर देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी चल रही है, काफ़ी होटल्स और भी बन रहे हैं। तकरीबन होटल्स ही होटल्स हैं, ये जितने भी आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं ये सारे होटल्स हैं। यहाँ पे मकामियों के घर तो छोटे छोटे नीचे हैं। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगा तो मेरे ख्याल है यहाँ पे जो ना बुरवाई शहर एंड हो जाता है। तकरीबन 40 मेरे ख्याल है कोई, मैं थोड़ा सा और अंदर की तरफ नहीं गया हूँ वहाँ पे। अगर वहाँ ज़्यादा थोड़े से और होटल्स हैं तो अप्रॉक्सीमेटली कोई अभी यहाँ पे 40 के करीब कोई होटल्स होंगे, और इसके अलावा भी बन रहे हैं। लोग यहाँ से ज़्यादातर फिर बाबूसा टॉप की तरफ निकलते हैं, क्योंकि बाबूसा टॉप करीब है यहाँ से। देख रहे हैं ग्लेशियर के पहाड़, एक खूबसूरत मनाजिर। आज जून है, 30 जून है आज 30 जून है, और अभी तक ईद के बाद से अभी तक जो है नारायण में फुल पैक है। जगह भी नहीं थी नारायण के अंदर जाने की, हम लोग साइड से जो ना क्रॉस करके आए, तो ऐसा जाना मैं नहीं समझता बेहतर है। नारायण से अच्छी जगह है और मौजूद है, हम मतलब वहाँ चले जाए जो मैं जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरा ख्याल है बुरवाई जो है यहीं पे एंड है, उससे आगे फिर यही सीधा रोड बाबूसा टॉप की तरफ चले जाता है। ये देखें, ओके, तो इस वक्त मैं आपको होटल से व्यू दिखा रहा हूँ। ये देखें, जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, नारायण के किसी भी होटल से आपको इस तरह का व्यू नहीं मिल सकता। इस तरह इस वक्त मैं होटल में मौजूद, ये रूम है, ये पूरा होटल है। नीचे इसी तरह सामने भी होटल है, तो वहाँ से भी इस तरह से खूबसूरत मनाजिर नज़र आते हैं। पीछे भी होटल है, वहाँ से भी आपको ये खूबसूरत मनाजिर नज़र आ सकते हैं। नारायण के किसी होटल में इतने पे करने के बाद भी इस तरह के खूबसूरत मनाजिर आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। अच्छा, होटल के बिल्कुल बैक साइड पे भी जो है आपको इसी तरह से खूबसूरत पहाड़, ग्लेशियर वाले पहाड़ नज़र आएंगे, जो मैं नहीं समझता कि नारायण के किसी होटल्स में आपको जाके नज़र आएंगे। तो वहाँ स्टे करने से बेहतर है, लाख गुना अच्छा है कि आप यहाँ बाटा कुंडी या बुड़वई में आ जाएं, ये बहुत बेहतर है। और फैमिली के लिए भी सुकून दे, और इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, रीज़नेबल है। क्योंकि अभी पिक सीज़न चल रहा है तो थोड़े से किराए ज़्यादा हैं, लेकिन नारायण से फिर भी बेहतर है। तो अपने होटल से ये व्यू आपको जो है ना बुरवाई में ही मिल सकता है, नारायण में नहीं मिल सकता। इसलिए मैं बार बार अगेन कह रहा हूँ, नारायण अवॉइड करें और बुरवाई या बाटाकुंडी चले जाएं, बहुत अच्छा है। बाटाकुंडी इससे ज़्यादा डिवेलप है वैसे तो, वहाँ पे होटल्स बहुत ज़्यादा हैं और रेस्टोरेंट्स भी हैं, जिस वजह से आपको खाने में वैरायटी मिल जाती है। खाने में थोड़ी सी वैरायटी कम मिलेगी आपको, क्योंकि इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा आबाद नहीं है ये, पर काफ़ी आबाद हो रहा है। तो ब्यूटी और नेचुरल ब्यूटी देखनी है और फैमिली के साथ है तो सुकून से रहना है, तो मैं कहता हूँ नारायण ना स्टे किया करें, बाटा कुंडी या फिर बुरवाई आ जाया करें।